हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ और ये लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है, आप इसमें देख सकते हैं। तो एक न्यूज़ आर्टिकल है, तो चलेगा शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इस न्यूज़ का टाइटल है 3 new medical colleges aim to be running by next session। तो नए मेडिकल कॉलेजेस झारखंड में बनने वाले हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रांची विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल टू इनाग्रेट 3 medical colleges इन पलामू, दुमका एंड दल्तोनगंज विद अ स्ल्यू ऑफ अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन फेब्रवरी 17। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इज नाउ टारगेटिंग टू मेक दिस इंस्टीट्यूट फुली ऑपरेशनल फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, दैट इज 2019-2020। एज मैंडेटरी ग्राउंड वर्क इन दिस रिगार्ड हैव ऑलरेडी बीन रोल्ड आउट इन द अथॉरिटीज कंसर्न सेड। तो इस साल से ही ये स्टार्ट होने वाले हैं और हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है तो मैं आपको, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसमें आगे लिखा हुआ है हर कॉलेज में 100 सीट्स हैं। तो ऐसे 300 सीट्स टोटल झारखंड में बढ़ने वाली है। झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, अगर उनके पास डोमोसाइल है तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और 300 में से 15% यानी कि 45 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए 45 सीट्स इस बार मेडिकल की बढ़ गई है। तो 17 फरवरी को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ यही गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। ऐसी रेगुलर अपडेट्स अपने फ़ोन पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।